हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाएंगे। बिना ट्रिक्स के ये टॉपिक आपको याद भी हो जाएगा और यह टॉपिक किसी भी कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य मतलब भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है, इसको कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य को लिखा है, इसको देखिए और फिर मैं एक अपना तरीका बताऊंगा, उससे आपको पूरा याद भी हो जाएगा। तो देखिए, इधर आपका शास्त्रीय नृत्य लिखा है जितना है, और इधर संबंधित राज्य एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का, मोहनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का। याद कैसे करना वो ज़रा ध्यान दीजिए। मणिपुरी तो जाहिर सी बात है मणिपुर का ही होगा, ओडिसी उड़ीसा का ही होगा। अब कथक, देखिए उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कथा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इससे याद रखिए कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब बाकी अगर आपको तीन ठो इस तरह से याद हो गए तो चार ठो तो आप याद ही कर सकते हैं। भरतनाट्यम वैसे भी आप जानते हैं तमिलनाडु का है, और कथकली कहाँ का है? केरल का। तो केरल के दो ऐसे याद कर लो, केरल के दो मतलब शास्त्रीय नृत्य कथकली मोहनीअट्टम, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य कथकली मोहनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। उत्तर प्रदेश में कथा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का कथक, ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है। यदि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।